प्यार के बदले पीर मिलल बा, चाहत में दिल टूटल बा, बचल उम्र यह बीती कैसे, साथ सनम से छूटल बा। सबसे पहले तो भोजपुरी के तमाम दर्शक और श्रोतागण के रितेश पांडे के हाथ जोड़ के प्रणाम बाटे। अभी हमनी के मुंबई में ही मड में शूटिंग चलता जीत फिल्म के सेकंड शेड्यूल के, एगो इंस्पेक्टर के किरदार बा है फिल्म में, जैसन किरवा सब वर्दी से पता चलते हुई जवन ए समाज में जितना भी फैलल भ्रष्टाचार बा उसे लड़ रहल बा, और वो लड़ाई में कितना दिक्कत के सामना करे के मिलता और फिर भी वो हिम्मत नहीं किया हारत, और लास्ट में जैसन कि आज तक होत आयल बा कि बुराई पर अच्छाई के जीत होला, और वो अच्छाई के जीत लास्ट में करता। हमारा भाई है और हम बहुत प्यार करते हैं साकेत से, और बहुत अच्छा एक्टर, साथ में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। पहलका शेड्यूल हमने के कंप्लीट कैले रहनी है जा आजमगढ़ में, और वहाँ के लोकेशन अब फिर कुछ ऐसा कहानी के और स्क्रिप्ट के ऐसा डिमांड रहे कि उकरा बाद के जितना भी सीन रहे वो मुंबई में फिल्म आवे के रहे, तो ऐसे हमने के अब मुंबई में फिल्म आवत नहीं जा, और ज़्यादा कहानी के बारे में हम खुल के ना बता पाई, कहे से कि दर्शक लोग से ने रिक्वेस्ट बा कि बहुत जल्दी फिल्म जीत जौन बाटे सिनेमाघर में आई, और रुआ सब जाए जाए फिल्म के प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। डायरेक्टर हमारे बड़े भाई, बहुत ही प्यारे बड़े भाई हमारे सुजीत भैया हैं, और प्रोड्यूसर हमारे साकेत भाई के पापा हैं। कहूँगा कि आए हमारे पास, आइए ना, आइए ना, नहीं है सामने नहीं आएंगे, कैमरे से बहुत डरते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मतलब एक अच्छी टीम हम लोग की, एक अच्छी बॉन्डिंग है, और सब लोग मिल के एक अच्छी फिल्म देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पहले तो मैं सबको अपनी तरफ से नमस्ते कहना चाहता हूँ, और रितेश भैया के बारे में क्या बोलूँ, आप लोग तो जानते हो रितेश भैया बहुत प्यारे प्यारे इंसान हैं, और इनकी भी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। आज पुलिस के किरदार में बैठे, आज इनका एक बहुत ही इंट्रोडक्शन था इनका, और इतना प्यारे तरीके से शूट हुआ है, उसमें बहुत खतरनाक भी दिख रहे थे भैया। मेरा किरदार, मैं इनका छोटे भाई का किरदार निभा रहा हूँ, जिसमें आज मेरी भी कुछ शूटिंग हुई है, और मेरा भी कल इंट्रोडक्शन और इंटरवल की फाइट, और मेरी भी कुछ चीज़ें चालू होने वाली हैं, और काफ़ी तो काम हो गया है, लगभग 80% शूटिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है, बस 2-4 दिन में और ख़त्म हो जाएगी, कम्प्लीट हो जाएगी। भैया से जितना सीखो उतना कम है, भैया के अंदर इतना टैलेंट बढ़ा हुआ है कि जितना सीखो उतना कम है। हाँ, हमारी नायिका है, हमारी नायिका का नाम है आकांक्षा दुबे, जो कि फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है वो, क्योंकि आज उनका काम नहीं था इसलिए उनको बुलाया नहीं गया था, बट वो भी बहुत अच्छी एक्टर है और काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं, और डांस उनका सब कुछ अच्छा है। मतलब तनुश्री जी वाली जी अभी रहली भी है, उनका काम शायद अभी ख़त्म हो गई तो निकल गई, उनका बारे में बताएं तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, वेल बिहेवियर, काम की कोई पूछना ही नहीं है। फिल्म में लगभग 6 गाना रहे गायब हम, एगो हमार गाना रिलीज भइल बा पीरा पीरितिया के, और वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे से वो गाना रिलीज भइल बा। दर्शक लोग से चाहब कि रुआ सब सुनी जा, 2 लाइन हम सुनाओ तनी। प्यार के बदले पीर मिलल बा, चाहत में दिल टूटल बा, बचल उम्र यह बीती कैसे, साथ सनम से छूटल बा, प्यार के बदले पीर मिलल बा, चाहत में दिल टूटल बा, बचल उम्र यह बीती कैसे, साथ सनम से छूटल, केहू हम के बता दे जी है बतिया रे, केहू हम के बता दे जी है बतिया रे, कौना जगह लिखा ले किस मतिया रे, कौना जगह लिखा ले किस मतिया रे। हमार भाई लोग, हमार भगवान स्वरूपी दर्शक और श्रोता लोग हमारा ऐसा गाना के बहुत पसंद करेला,
और हमरा के बार बार कहले कि ऐसने गाना गावो और कारण भी बा मगर अभी हम कैमरा पर ना बोल पाए मगर जौन भी बा हमरा दर्शक और भाई लोग के प्यार दुलार के बदौलत बा ये लोग पसंद करेलन तो हम गाए सबसे बड़ी बात तो ए फिल्म में ऐसा स्टोरी बा स्टोरी मतलब एक समय पर चलता 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 और अचानक से स्टोरी ऐसा ना जगह पे दर्शक लोग के मोड़ के लेके चल जाई कि मतलब क्यों सोच भी ना सकेला जब हम पहली बार हमरा के स्टोरी बीरू ठाकुर जी सुनाओ ले जब अचानक से जब वो ट्विस्ट आयल अभी हम बताए ना मगर वो जब कहानी के मूड आयल ना तो हम कहें कि अरे ऐसा भी हो सकेला तो स्टोरी इसका बहुत ही अच्छा है और एक बार भोजपुरी में कुछ अलग देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को तो जो एक बार देखेगा वो दोबारा तो जाएगा ये मेरा गट्स है और मैं पूरे गट्स से कह रहा हूँ। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो पिक्चर जीत पिक्चर की स्टोरी है ये इस तरह से बनाई गई है कि डबल डबल ट्विस्ट रितेश भैया दिखाएंगे डबल डबल ट्विस्ट मैं दिखाऊंगा मेरा कैरेक्टर को जैसा चूज़ किया गया है मेरा कैरेक्टर ऐसा कुछ बनाया गया है कि मैं दो किरदार में इसमें दिखूंगा आप लोग को इंटरवल से पहले कुछ और इंटरवल के बाद कुछ और वो पिक्चर देखने के बाद आप लोगों को खुद पता चला कि बंदे ने क्या कर रहा है बंदे क्या कर रहे हैं सब और रही बात रितेश भैया की तो सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है रितेश भैया की सबसे बेस्ट एक्टिंग इसमें है अरे बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं इसमें भैया सच्ची बता रहा हूँ। एक्टिंग की बात की जाए तो मुझे इस पिक्चर के लिए दो महीने से मैं इस पिक्चर के लिए रेडी हो रहा था और स्क्रिप्ट पे मैं भी खुद स्क्रिप्ट पे बैठा हूँ वीरू भाई के साथ मैं खुद इस पिक्चर में अपने कैरेक्टर को जानने और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें घुसने की कोशिश किया और फिर इसके लिए मैंने 2 महीने तक तैयारी की। रुआ सबसे हाथ जोड़ के निवेदन बा कि फिल्म जब भी लागी तो सबका सिनेमा हॉल तक जाए के बा एक बारी भाइयन के प्यार दुलार आशीर्वाद देवे के बा।